हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ फटे हुए दूध से मिठाई बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। फ्रेंड, फटे हुए दूध से हम इस प्रकार की टेस्टी मिठाइयाँ या मिल्क केक तैयार करेंगे। देखिए ये मिल्क केक कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। इसे हमने बहुत ही आसानी से बना के तैयार किया है। ये मिल्क केक फटे हुए दूध से हम कभी भी बना सकते हैं। ये मार्केट के मिल्क केक से बहुत ही अच्छा है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस फटे हुए दूध से मिल्क केक को बनाते हैं। फ्रेंड्स, अधिकतर गर्मियों के दिनों में दूध बहुत जल्दी फट जाता है, तो हम इस दूध का उपयोग मिठाई बनाने में कर सकते हैं। वैसे तो कई लोग इससे दही जमा लेते हैं या इसका पनीर बना लेते हैं। इस वीडियो में हम इससे मिठाई बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा गाय का दूध है और देखिए ये इस प्रकार फट गया है। फटे हुए दूध से स्वादिष्ट मिठाई बनाने के लिए हमें इन सभी इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है। ये देखिए, ये है फटा हुआ दूध जो इस कप से 3 कप है, यानी कि 3 पाव। ये शुगर 1/4 कप। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये देसी घी 1 या 2 टेबल स्पून, देसी घी ऑप्शनल है। ये 4-5 छोटी हरी इलायची, इससे इसका सुगंध बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ पिसी हुई ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू बादाम और नारियल। यहाँ हमने सूखी हुई नारियल को ग्राइंड किया है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। ये भी ऑप्शनल है। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम ये दूध को लेंगे। यदि इस दूध में पानी की मात्रा अधिक हो, हम इसको छान करके इसमें से पानी को निकाल देंगे। हम इसके पूरे पानी को नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी रहने देंगे। और ये जो पानी है, इससे हम फेंकेंगे नहीं। इससे चाहे तो हम आटा गूंथ सकते हैं या फिर पुए बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक मोटे तले का कढ़ाई या बर्तन लेंगे और उसे गैस पे चढ़ाएंगे। गैस पे चढ़ाने के बाद हम इसमें दूध को डालेंगे। डाल के हम इसे चलाते हुए गर्म करेंगे। इसे हम हाई फ्लेम पे गर्म करेंगे। हमने इस दूध में से पानी को इसलिए छान करके निकाल दिया है जिससे कि हमारा गैस कम खर्च हो। जितना ही अधिक पानी होता है, उसे पकाने में उतना ही अधिक टाइम लगता है। इसे पकाते हमें 8-10 मिनट हो गया है और ये इस प्रकार हो गया है। हम इसे और 10 मिनट तक पकाएंगे जब तक इसमें का पानी खत्म ना हो जाए। 10 मिनट हो गया है और इसका पूरा पानी सूख गया है। अब हम इस कंडीशन में इसमें चीनी ऐड करेंगे। देखिए ये कितना दानेदार बना है। चीनी को डाल के इसे हम बराबर चलाएंगे। चीनी को पक जाने के बाद इसमें हम कुटी हुई इलायची को मिलाएंगे। कुटी हुई इलायची को मिलाने के बाद इसमें हम ड्राई फ्रूट्स को मिलाएंगे। इस ड्राई फ्रूट से इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ जाएगी और ये टेस्टी भी हो जाएगा। अब इसके किनारे पे हम 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड करेंगे। देसी घी डालने से ये कढ़ाई को छोड़ देता है। इस प्रकार हमारा ये टेस्टी मिठाई का बैटर तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम इस तरह का एक कटोरी लेंगे और उसे देसी घी से ग्रीस करेंगे और अब इसमें हम बैटर को डालेंगे। अब इसे हम स्पैचुला से बराबर करेंगे। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसे हम फ्रिज में थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। 5-6 घंटा रखने के बाद ये इस प्रकार हो गया है, या ओवरनाइट रखने के बाद भी ये इसी प्रकार हो जाता है। इसे हमने फ्रिज में रखा था। हमने इसे फ्रिज में रखा था इसलिए इसके तली को हम हल्का गर्म करेंगे जिससे कि ये आसानी से छूट जाए। हमने इसे हल्का सा गर्म कर लिया है। अब इसे हम चाकू से इसके किनारे को छुड़ाएंगे।
आपके फ्रेंड्स से कितना बढ़िया मिठाई बना है, इसे हम मिल्क केक भी कहते हैं। इसे चाहे तो हम टू पार्ट कर सकते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स हमारा टेस्टी मिठाई या मिल्क केक बन के तैयार हो गया है। इस प्रकार फ्रेंड्स हमने फटे हुए दूध से मिल्क केक या टेस्टी मिठाई बना के तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स अगर आपको ये टेस्टी मिठाई बनाने की रेसिपी पसंद आए हो तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल मिनी स्वीट डिशेज को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी प्यारी फ्रेंड मिनी।